अब मुझे आगे का हल बताइए। वो रंजीत सिंह चट्टान से निकल पाया? इस वक्त कौन आया होगा? पड़ा है क्या पीछे आपके? अरे निशा जी, आप कमाल करते हो गंगाधर, कब से नॉक किए जा रही हूँ, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? परंतु अब हमने दरवाजा खोल दिया ना, अब अंदर आ जाइए। थैंक यू। और अब आप अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताइए, प्रयोजन। मैं ये पता लगाने आई हूँ कि आजकल तुम हो कहाँ। यही प्रश्न हम निशा जी अक्सर स्वयं से किया करते हैं और हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं। क्या मतलब? यही कि हम कहाँ हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम आज तक नहीं जान पाए हैं। अब देखिए ना, कभी कभी हमें लगता है कि इस धरा यानी इस जमीन के ऊपर हैं हम, परंतु दूसरे एक क्षण हमें लगता है कि हम इस जमीन के ऊपर नहीं हैं, ये जमीन हमारे नीचे है, परंतु तीसरे एक क्षण हमारी दृष्टि ऊपर छत पर पड़ती है तो हमें लगता है कि ये छत हमारे ऊपर है, परंतु चौथे क्षण हमें लगता है कि ये छत हमारे ऊपर नहीं है, हम छत के नीचे हैं। अब ये छत हमारे ऊपर है, ये जमीन हमारे नीचे है, हम जमीन के ऊपर है, हमारे ऊपर ये छत है, छत के नीचे हम हैं, हमारे नीचे ये जमीन है, जमीन के ऊपर हम हैं, हमारे ऊपर ये छत है, छत के ऊपर हम कहाँ हैं? तुम कहीं नहीं हो। एडिटर साहब ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। क्यों क्या? अरे तुम्हारी मर्जी होती तब तुम ऑफिस आते हो, तुम्हारी मर्जी होती तो कई कई दिन के लिए गायब हो जाते हो। अभी पिछले दो दिन से ना तुम ऑफिस आए हो ना तुमने फोन किया है, इसलिए बहुत नाराज है वो। संपादक महोदय हमसे नाराज है और हमें नौकरी से निकाल दिया? अरे देवी जी, ये तो बहुत बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर हम जाएंगे कहाँ? फिर तो ये किराए वाले घर की न जमीन हमारे पैरों के नीचे होगी, न ये किराए वाले घर की छत हमारे सर के ऊपर होगी, हम जाएंगे कहाँ? और जाने के तो छोड़िए, हम खाएंगे कहाँ? देवी जी देखिए, ये हमारे फलों का टोकरा सदाई भरा रहता है, हमें भूख बहुत लगती है, हम खाएंगे कहाँ? ओके ओके गंगाधर, इतना घबराने की बात नहीं है, मैंने उनसे बात की थी, मेरे कहने से तुम्हें वो एक मौका और दे रहे हैं। सच? एक मौका और दे दिया? हाँ, पहले तो मान ही नहीं रहे थे लेकिन मैंने उन्हें बहुत समझाया तब कहीं जाकर माने। वैसे अपने साथी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना। हाँ, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। और फिर तुम तो मेरे सबसे अच्छे साथी हो, पता है गंगाधर, मुझे तुम्हारे साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा काम करूँ। पता है तुम दो दिन ऑफिस नहीं आए ना, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। इनके इरादे नेक नहीं लगते वत्स। धन्यवाद धन्यवाद निशा जी, धन्यवाद, आप सचमुच हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, आपके हृदय में हमारे लिए इतना प्रेम, हम तो गदगद हो गए, इतना प्रेम तो केवल 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 भाई बहन के बीच में हो सकता है। क्या भाई बहन? हाँ। नहीं नहीं गंगाधर, ऐसा प्रेम तो किसी भी दो इंसानों के बीच हो सकता है जिनके ख्याल आपस में मिलते हो। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, परंतु भाई और बहन के बीच का प्रेम श्रेष्ठतम होता है। आप ऐसा कीजिए, इंतजार कीजिए, हम अभी अंदर जाते हैं और तैयार होकर आते हैं, फिर हम ऑफिस चलेंगे। नहीं, आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे। क्यों, कहाँ जाएंगे फिर? आज हम शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब द्वारा आयोजित वन महोत्सव में जाएंगे। वन महोत्सव? क्यों, तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा? नहीं। क्या गंगाधर, अखबार में काम करते हो और अखबार नहीं पढ़ते? इसीलिए तो नहीं पढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा है,
शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब द्वारा वन बचाओ आंदोलन। शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब द्वारा वन बचाओ आंदोलन। वन बचाओ आंदोलन बच्चे शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में मना रहे हैं और उनका सम्मान करने पर्यावरण मंत्री शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में खुद आ रहे हैं। और शक्तिमान 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 बहुत मेहनत की है तुमने धुरंधर। शक्तिमान को बदनाम करने की तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? अरे बोलते क्यों नहीं तुम? क्या हमने इसीलिए इतना पैसा दिया था तुम्हें कि तुम शक्तिमान की शौहरत में चार चांद लगा दो? हर तरफ शक्तिमान, टीवी के हर चैनल पर, रेडियो पर, अखबार में, और आज हमारी अखबार में जिसके तुम एडिटर हो, पहले पेज पर शक्तिमान की तारीफ के पुल बांध दिए। हमने तुम्हें काम पर किस लिए रखा था? चोपड़ा साहब, ई खातिर आप रखे रहे कि शक्तिमानवा को ज्यादा ज्यादा बदनाम करो। ये क्या है? हम तो खूब कोशिश किए कि शक्तिमानवा को बदनाम करें, मगर वो हो ही नहीं रहा, तो अब हम क्या करें? सिन्हा, तुम बताओ। सरकार सरकार, हमने गुरुजी का कौनो कसूर नहीं है, इनके परिसर में कौनो कमी नहीं है सरकार। लेकिन क्या करें सरकार, शक्तिमानवा भी बड़ा कमाल का चीज है। अब देखिए ना, धड़ाधड़ इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है सरकार, वो ससुरा हमको मौका ही नहीं देता है कि उसको हम बदनाम करें, बताइए ना। चोपड़ा साहब, आप ही बताओ हम क्या करें। मतलब हम दुनिया भर का कोशिश तो कर लिए। अच्छा चोपड़ा साहब, अपने जो फोटो मास्टर गंगा धरवा, उसको तो हम निकाले का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। वो ससुरा अपने आप को शक्तिमानवा का दोस्त कहता है, और अपने जो एक पत्रकार रही गीता विश्वास, वो तो चली गई अमेरिका। तो अच्छा हुआ, वो हमेशा शक्तिमानवा की तारीफ छापती रही। और आजकल एक लड़की मिली है जो पहले दिन शक्तिमानवा की झूठी खबर लाई रही। तो हम कहा कि भाई ये लड़की अपने काम की है, मगर आजकल वह शक्तिमानवा के रंग में रंग गई है। तो आप पे बतावे हम क्या करें, कुछ जतन बतावे तो हम बदनाम करें शक्तिमानवा को। गुरुजी, ये तो आपको थप्पड़ मार दिए गुरुजी। नहीं, थप्पड़ नहीं मारा है चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब हमको गुरु मंत्र दिया है। गुरु मंत्र? हाँ, उनका कहना है कि जैसन थप्पड़ हमने तुमको मारा है, ऐसन थप्पड़ तुम शक्तिमानवा को मारो, ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र? हाँ, ये बड़ा लोग ऐसे समझाता है। चोपड़ा साहब, अब आप चिंता तनको न करें चिंता। अब आप देखें शक्तिमानवा के मुंह पे ऐसा तमाचा मारूंगा कि ससुरा के मुंह पिच्चा हो जाएगा। खाली हमका एक मौका दे। चोपड़ा साहब, हमरा के एक मौका दे हमरा के। चोपड़ा साहब कह रहा हूँ, एक मौका चाहिए, एक मौका खाली। बहुत देर हो चुकी है धुरंधर, लेकिन एक मौके के हकदार हो तुम। महीनों से जिस मिशन पर मैं काम कर रहा हूं, उस मिशन के सफल होने का वक्त आ गया है, और मैं नहीं चाहता कि इस बात की भनक शक्तिमान को पड़े। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी अखबार की सुर्खियों से मैं ये तो जान गया हूं कि पर्यावरण मंत्री शक्तिमान को मिलने शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब में आ रहा है। पर्यावरण मंत्री और शक्तिमान दोनों एक साथ एक स्टेज पर, अच्छा इत्तेफाक है, बहुत अच्छा। दोनों मेरे दुश्मन एक साथ। पर्यावरण मंत्री और शक्तिमानवा दोनों आपके दुश्मन? हाँ, पर्यावरण मंत्री और शक्तिमान दोनों मेरे काम में खलल डालते हैं। तुम्हारी इस न्यूज ने मुझको बता दिया कि वो दोनों एक साथ मिलेंगे, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। चोपड़ा साहब, धन्यवाद। सिन्हा, तुम बोलो। धन्यवाद सर, आपने हमरे गुरुजी को छोड़ दिया, धन्यवाद। पर याद रहे, तुम्हारा काम शक्तिमान को बदनाम करना है, समझ गए ना जी? अरे चोपड़ा साहब, आप बेफिक्र रहे, अब आप देखें
शक्ति मनवा को कैसन बदनाम करता हूँ, ऐसा ऐसा न्यूज छापूंगा कि शक्ति मनवा बदनाम होके रहेगा। अगर कौनों की जेब कटेगी तो वो इल्जाम हम शक्ति मनवा पर ठोकूंगा जी। और अगर नहीं बदनाम किया तो? अब ऐसा नहीं हुआ तो सर हम दोनों आपस में एक दूसरे को गोली मार लेंगे। तुम दोनों की जिंदगी के लिए यही बेहतर होगा। धुरंधर, मैंने हमेशा तुम्हें कहा और आज भी कह रहा हूं, दयाल चोपड़ा किसी पर दिलो दिमाग से दया नहीं करता है। दयाल कभी किसी पर खामखा में दयाल नहीं होता, समझ गए? समझ गए। नमस्कार। गुरुजी, ये बात बात पे ये तमंचा काहे दिखाता है? चुप कर, फालतू बात कर रहा था। सिन्हा, सोचे वाली बात ई बा, इकरा दुश्मनी शक्ति मनवा से है वो तो ठीक बा, मगर पर्यावरण मंत्री से का दुश्मनी बा हो, ई का चक्कर है? सोचा दे, तू रही बा एकदम मंदबुद्धि का मंदबुद्धि। सिन्हा, तनिक दिमाग पे जोर डाला कि ई चोपड़वा काम का करता है, ई के बिजनेस का बा, और ई ससुरा कौन सा मिशन का बात करत रहा? गुरुजी, यही बात हमारी खोपड़ी में नहीं आ रहा है, आखिर ये करता का है? बस बस तू खाली ऐसे ऐसे किया। अरे अगर तुहार दिमाग तनोक चलत होता तो आज हमें न देखना पड़ता न तमंचा न तमाचा। इमे हमरा का कसूर है? तुहार कौनो कसूर नहीं बा, तू हाथ पे हाथ धर के बैठा, अब देखा धुरंधर सिंह का करता। लेकिन गुरुजी एक बात जरूर है, आखिर ये चोपड़वा का दुश्मनी शक्तिमान से का है, ये उसको काहे बदनाम करना चाहता है? ये चोपड़वा के कुछ ना कुछ भयंकर राज बा, और जौन दिन चोपड़वा का राज हमें पता चल गवा, इकरा गर्दन हमरे पंजामा, और आज की आवाज अखबार हमरी मुट्ठी मा, और फिर पूरा स्टाफ हमरी गुलामी करेगा। इधर उधर क्या देख रहे हो? देवी जी, आज आसपास का परिदृश्य बहुत स्वच्छ दिखाई दे रहा है। कोई विदेशी आगंतुक आ रहा है क्या? विदेशी आगंतुक? ओहो, हम भूल गए थे कि राष्ट्रभाषा में आपका हजरा तंग है। विदेशी आगंतुक अर्थात फॉरेन डेलीगेट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जा रहा है। ओह, आपका मतलब है कि प्रदूषण रोको दिवस? यस, प्रदूषण रोको दिवस को सफल बनाने में सहयोग दीजिए। कूड़ा करकट सिर्फ कचरे के डब्बों में ही डालिए। अपने वाहनों के इंजनों को हमेशा ठीक रखिए। पानी, हवा, जमीन को प्रदूषण से मुक्त रखने का संकल्प करें। प्रदूषण की वजह से देवी जी लाउड स्पीकर को, अरे देवी जी, वक्ता महोदय लोगों से प्रदूषण रोकने का आग्रह कर रहे हैं और स्वयं ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैला रहे। यानी नॉइज पोल्यूशन। यस। गंगाधर, तुम नहीं सुन रहे। क्या हुआ था शर्मा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी बदहवासी क्यों है? सर, वो रेडिएशन से मरने वाले मजदूरों की गिनती में 2 का इजाफा और हो गया है। कोई गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं सर, मैंने बाकी मजदूरों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी है। वेरी गुड। लाशें अंदर है सर, आइए। चलो आइए। वो देखिए सर, सर अभी तक तो ये बात किसी को पता नहीं है सर। ये देखिए सर, ये देखिए सर, इन दोनों मजदूरों की मौत हमारे फैक्ट्री में रखी यूरेनियम की रेडियोधर्मिता के फैलने की वजह से हुई है।
और इन दोनों को मिलाकर अभी तक 20 आदमी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं सर। सिर्फ 20 आदमी? हरीश, जानते हो थोड़े से यूरेनियम से क्या बनता है? न्यूक्लियर बॉम्ब, जो एक ही वक्त में करोड़ों लोगों की जान थोड़े से वक्त में ले लेता है, शहर के शहर तबाह कर देता है। हिरोशिमा और नागासाकी का नाम दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता। जब इतना सा यूरेनियम इतनी तबाही ला सकता है, तो हमारे पास तो यूरेनियम का भंडार है, और अगर उसकी रेडिएशन से हमारे 10-20 मजदूर मर भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? हम कंपनसेशन दे देंगे उनको, यू डोंट वरी, ओके? लेकिन सर, पर्यावरण मंत्री तो पहले ही हम पर शक कर रहे हैं। अगर मजदूरों के मरने की बात मार्केट में फैल गई तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा सर। ऐसा होने से पहले पर्यावरण मंत्री स्वर्गवासी हो जाएगा। चोपड़ा, बोलो डेविड। गुड न्यूज, जाल बेच चुका है। पार्सल को ऊपर भेजने का इंतजाम हमने कर दिया है। वेरी गुड डेविड, लेकिन मोटी मछली बहुत चालाक होती है, अगर उसने जाल पहचान लिया तो? नो, नेवर मिस्टर चोपड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? डेविड इज अ किंग फिशरमैन, उसका जाल मछलियों को कभी नजर नहीं आता। डोंट वरी मिस्टर चोपड़ा। ऑलराइट डेविड, लेकिन खतरनाक मछली का एक बार जाल में फंस जाने के बाद बाहर निकलने का मतलब तुम जानते हो? मछुआरे की मौत। और मछुआरा कौन है? तुम डेविड, तुम। ऐसा नहीं होगा मिस्टर चोपड़ा, हम बोला ना, डेविड इज अ किंग फिशरमैन। ओके डेविड, ओके। हरीश, मंत्री जी का इंतजाम तो हो गया। आज जब वो वन महोत्सव में भाषण देने के लिए उठेंगे तो हमारा प्रोफेशनल किलर डेविड अपना रिमोट दबाएगा। शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब के बच्चे और साथ साथ मंत्री जी डेविड के लगाए हुए बमों से उड़ जाएंगे। अब बस इंतजार करो मंत्री जी के वन महोत्सव में आने का। वन महोत्सव। लीजिए देवी जी, हम लोग आ गए वन महोत्सव में। अरे देवी जी, आपने ये टैक्सी को छोड़ क्यों दिया? हम लोग वापस कैसे जाएंगे? गंगाधर जी, हम यहाँ आकर तुरंत वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ वन महोत्सव में शक्तिमान से मिलने हैं, याद है ना? शक्तिमान भैया, फिर वही अग्नि परीक्षा। शक्तिमान और गंगाधर एक साथ, एक ही जगह, परंतु कैसे? क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, वो हम सोच रहे थे कि तुम बाद में सोचना, पहले तुम मेरी बात सुनो। तुमने आज मेरी फोटो भी खींचनी है शक्तिमान के साथ। आई? अब देवी जी, कदाचित ये संभव नहीं है। क्यों नहीं? वो हम अपने कैमरे के साथ तो पूरी तरह से तैयार हैं, परंतु हमें लगता नहीं है कि शक्तिमान भैया यहाँ आएंगे। वो जरूर आएंगे। आई? हम शक्तिमान के दोस्त हैं।
शक्तिमान प्रेस क्लब के प्रोग्राम में बुलाने पर जरूर आते हैं। सुन लिया? हाँ सुन तो लिया। आप शक्तिमान भैया के दोस्त हैं? हाँ, मैं ही नहीं, हर बच्चा शक्तिमान का दोस्त है। हाँ वो तो है, पर शक्तिमान भैया के इस दोस्त का नाम हम पूछ सकते हैं? कैलाश। अरे वाह, क्या अच्छा नाम है। आप कौन है? हम, ओ यानी कि हम दोनों। हम दोनों आज की आवाज से आए हैं। ये है निशा सलूजा और हम हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री रामगुजेंद्र पुष्टिकोली जिला। अरे अपने नाम सुनकर आपको ये हंसी क्यों आ रही है? जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो टीचर आपको इतना बड़ा नाम लेकर कैसे बुलाती होगी। अरे मजा आता था, बहुत मजा आता था। पलाश क्या है? पलाश अप्पू को बहुत तेज बुखार है, वो नहीं आ सकता। ओ नो, अब क्या होगा? क्या हुआ? आज हम मंत्री जी के सामने पर्यावरण विषय पर एक छोटा सा नाटक करने वाले हैं। मेन रोल अप्पू कर रहा है, मेन गाना भी वही गा रहा है, लेकिन उसे तो बुखार है। अब हमारा नाटक कैसे होगा? नाटक होगा दोस्तों। लेकिन कैसे? आप लोग शक्तिमान भैया के दोस्त हैं, आप लोगों का नाटक होगा, अप्पू का रोल हम करें।